हैं, यहाँ पर किस तरीके से पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, किस तरीके से सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आग जलाकर, आग लगाकर यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है पुलिस प्रशासन के खिलाफ, वो नाराजगी यहाँ लोग जाहिर कर रहे हैं। लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। परिवार जन तो है ही है नाराज, लेकिन जो समर्थक हैं वे भी नाराज हैं। परिवार जन, फैम की बात करें, समर्थकों की बात करें, सभी लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों पर आगजनी की गई है। हत्या के बाद आक्रोश जो है वो भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोगों में जो नाराजगी है वो बड़ी ही मैं कहूँ कि लोग दिखा रहे हैं। हालांकि तरीके सभी के अलग अलग है, कोई सोशल मीडिया पर फेसबुक पर शेयर कर रहा है, तो कोई मैं इंस्टाग्राम के ज़रिए या फिर कोई वीडियोस के ज़रिए अपनी अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहा है, तो कुछ लोग अस्पताल परिसर के बाहर भी अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परिवारजन हताश नज़र आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी यहां कड़ी सुरक्षा के साथ मौजूद है। करनी सेना से जुड़े लोग भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं यहाँ पर, और सभी बस एक ही बात कह रहे हैं कि आखिर में क्यों इतनी बड़ी घटना हुई है, तो इस घटना को अंजाम दिया गया है राजस्थान में। ये बड़ी बात है कि अभी हाल फिलहाल में ही चुनाव हुए हैं, परिणाम जारी हुए हैं। अभी तो सिर्फ सीएम फेस को लेकर ही बातें चल रही थी, मंथन चल रहा था, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन उसी बीच इतनी बड़ी खबर सामने आती है, तो जाहिर सी बात है राजस्थान में ही नहीं पूरे सियासत में एक बार तो भूचाल आ गया कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जो करनी सेना के इतने बड़े नेता माने जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है, तो सुरक्षित कौन है, कौन जिम्मेदारी लेगा सुरक्षा की? या पुलिस प्रशासन जिम्मेदारी लेगा, नेता जिम्मेदारी लेंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा? जिम्मेदारी पर भी लोग जो सवाल निशान खड़े कर रहे हैं कि आखिर में जवाबदेही कौन है, कौन है जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। चलिए आपको एक और बड़ा अपडेट दे दें कि राजेंद्र राठौड़ ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या की घटना बेहद ही दुखद है। पुलिस प्रशासन दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करे, ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति एवं उनके परिवार जनों समर्थकों को दुख की घड़ी में इस घड़ी में धैर्य व संबल प्रदान करने की कामना करे। देखिए तमाम जो नेता है, बड़े नेताओं की बात कर ले हम, वसुंधरा राजे जी हो, गजेंद्र सिंह शेखावत जी हो, सभी संवेदनाएं, सभी दुख जाहिर कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ये बड़े अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बड़े नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं दुख जाहिर कर रहे हैं। देखिए खुद मैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी एक बड़े नेता हैं, और इसी वजह से लोग उनके करीबी हैं, उन्हें प्यार करते हैं, बेबाकी के कारण इसी वजह से सब अपना अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मंगलवार दिन दहाड़े तीन बदमाशों ने गोगामेड़ी पर गोलियां चलाई, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और भाग निकले। हालांकि एक जो हमलावर था उसको गोली लगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद,
उसके ठीक नहीं है उसके फेस पे। मेट्रो मार्ग हॉस्पिटल है यहाँ पर सुखदेव सिंह गोगा मेडिकल ले लोगों को जो परिसर से बाहर करने के लिए आप देख सकते हैं ताकि लोगों को यहाँ से जो मतलब बाहर से बाहर से और सुनो उसके ठीक नहीं है उसके फेस पे। ये देखो ऐसे हुआ है। ये देखो यही था, ये जो गिरा है ना अभी जो गिरा है वो था। ये कौन था? वो जो अभी नीचे गिरा है ना यहाँ पे वो उसके साथ ही था, यही था। यही था, ये जो गिरा है ना अभी जो गिरा है वो था। ये कौन था? वो जो अभी नीचे गिरा है ना यहाँ पे वो उसके साथ ही था, यही था। ये देखो ऐसे हुआ है। देखो यही था, ये जो गिरा है ना अभी जो गिरा है वो था। ये कौन था? वो जो अभी नीचे गिरा है ना यहाँ पे वो उसके साथ ही था, यही था। ये देखो ऐसे हुआ है। देखो यही था, ये जो गिरा है ना अभी जो गिरा है वो था। ये कौन था? वो जो अभी नीचे गिरा है ना यहाँ पे वो उसके साथ ही था, यही था। ये देखो ऐसे हुआ है। देखो यही था, ये जो गिरा है ना अभी जो गिरा है वो था। ये कौन था? वो जो अभी नीचे गिरा है ना यहाँ पे
वो उसके साथ ही था, यही था। ये देखो ऐसे हुआ है। ये देखो यही था, ये जो गिरा है ना अभी जो गिरा है वो था। वो जो अभी नीचे गिरा है ना यहाँ पे वो उसके साथ ही था, यही था। ये देखो ऐसे हुआ है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे थे, पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे थे, जहां बड़े नेता माने जाते हैं करणी सेना के सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी, आज उनकी हत्या कर दी गई, उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि बिना किसी सिक्योरिटी के अंदर दाखिल हुए हमलावर और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई है। एक सर में लगी है गोली, उनके सीने में लगी है और उन्हें मेट्रोमास अस्पताल भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। हालांकि जो आक्रोश देखने को मिल रहा है पूरे जयपुर में, जब जयपुर की ही नहीं पूरे राजस्थान की बात करूं तो पूरे राजस्थान में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से राजपूत समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है, राजपूत समाज सड़कों पर उतर आया है और भारी मात्रा में आक्रोश दिखा रहा है। क्योंकि आक्रोश दिखाना तो बनता है, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगा मेडी अपने आप में ही एक बड़े नेता है, और नेता ही नहीं कहूंगी बल्कि वे खुद लोगों के साथ खड़े रहते थे, बड़ी बेबाकी से लोगों का समर्थन करते थे, लोग उनके साथ खड़े रहते थे, वे लोगों की सुनते थे। और आज कहीं ना कहीं जो समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, उनके साए सर से जो पिता का साया उठ जाता है, पिता का हाथ उठ जाता है, ठीक वैसा ही उनके समर्थकों के साथ हो रहा है। समर्थक लगातार विरोध जता रहे हैं कि आखिर में ऐसी क्या कमी रही होगी, क्या गुनाह वो किया होगा कि इस जो हमलावर थे, जो दरिंदे थे, उन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। वारदात की बात कर ले तो गोल्डी बराड और रोहित गोदारा गैंग इस घटना की पूरी जिम्मेदारी ले रहा है। बकायदा फेसबुक पर पोस्ट शेयर किया गया है, रोहित गोदारा गैंग की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इस घटना की जिम्मेदारी लेते हैं। और क्यों लेते हैं? क्योंकि सुखदेव सिंह गोगा मेडी हमारे दुश्मनों के साथ खड़े रहते थे, और सुखदेव सिंह गोगा मेडी बेबाक थे, तो बेबाक है तो जाहिर सी बात है वो सभी के साथ खड़े होने वाले नेता हैं, जो अपनी बात बेबाकी से सबके सामने रखते थे। और कहीं ना कहीं ये बेबाकी ही आज उनके मौत का कारण बन गई हो, ऐसा उनके जो चाहने वाले हैं वो खुद कह रहे हैं। लेकिन इस घटना की जो जिम्मेदारी है वो गोल्डी बराड और रोहित गोदारा गैंग ने ली है। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड, ये दोनों ही गैंग ऐसी सक्रिय गैंग हैं जिन्होंने हाल ही की बात कर लूं तो राजू ठेहट की हत्या की बात कह ले, या फिर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की बात कर ले, तो उन इन गैंगों का जो हाथ है इन हत्याओं में भी शामिल रहा है। फिर ऐसी क्या वजह है जो पुलिस प्रशासन इन हत्याओं को रोक नहीं रही है? चलिए अब इसी बात पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश जी जुड़ गए। राकेश जी, आप क्या कहेंगे आज जो पूरा घटनाक्रम हुआ है राजस्थान में? जी बिल्कुल दिव्या, और कुल मिलाकर के जो घटनाक्रम पूरा हुआ है, सुखदेव सिंह गोगा मेडी की गोली मारकर हत्या हो गई, और महत्वपूर्ण बात यह कि वो अपने घर में मौजूद थे, और जो हमलावर थे जिस तरीके से बेबाकी के साथ वहां घुसते हैं, यानी कि सीधे तौर पर जो कानून व्यवस्था है पुलिस प्रशासन है उस पर सवाल खड़े होते हैं। जिस तरीके से लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही थी उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, हालांकि थोड़े दिनों पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा किया था, उन्होंने ये साफ तौर पर यह कहा था कि विदेशी नंबरों से उनके पास में कॉल आ रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही है, और बाकायदा उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपील की थी। अब एक एप्लीकेशन दी गई थी जो सूचना उनके द्वारा उनके परिवार के द्वारा दी जा रही है कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, लेकिन बावजूद इसके समर्थकों का सीधे तौर पर आरोप है उन्हें पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। जो सीसीटीवी फुटेज में सामने आया और जिस बेबाकी के साथ तमाम लोग उस 8x8 के रूम में बैठे हुए थे और अचानक से गोलियों की आवाज तड़तड़ाहट के साथ में गूंज उठती है वहां पर, हालांकि उनके जो बॉडीगार्ड थे, जो अंगरक्षक थे, वो भी वहीं पर मौजूद थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अचानक से कोई व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आएगा। और जाहिर सी बात है, अगर आप सुखदेव सिंह गोगा मेडी ने जिस तरीके से अपनी सुरक्षा को लेकर व्यक्तिगत रूप से जो बॉडीगार्ड लगाए थे, अमूमन यह हुआ करता था कि जो भी अनजान व्यक्ति आता था उसकी बाकायदा सुरक्षा जांच वहां पर की जाती थी, उसके बाद में उसको अंदर एंट्री दी जाती थी, लेकिन जिस तरीके से वो हमलावर वहां बैठे थे, सूचना यह भी आ रही है कि किसी जानकार व्यक्ति का इसमें पूरी तरीके से हाथ बताया जा रहा है। नवीन शेखावत उसका नाम अभी तक निकल करके आया है, नवीन शेखावत नाम का कोई शख्स था जो कि बाकायदा सुखदेव सिंह गोगा मेडी को जानता था, और यही कारण था कि उनकी जानकारी ही उनकी जान पर बनाई, उन्होंने बाकायदा उन लोगों को बुलाया। हालांकि नाम की पुष्टि अभी तक पुलिस प्रशासन के लोग
लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के हलकों में जो खबरें हैं उसके मुताबिक नवीन शेखावत नाम का जो शख्स था वो वहां पर पहुंचा था और उसके साथ हमलावर थे। अचानक से सारी बातें चल रही थी, अचानक से पिस्तौल उठाई गई और जिस तरीके से गोलियां मारी गई, और उस सीसीटीवी फुटेज को यदि गौर से देखा जाए तो हमलावर जब तक ये पुष्टि नहीं हो पाए कि गोगा मेडी मर चुके हैं या उनके ऊपर जिस तरीके से फायरिंग किया गया, जब तक जान नहीं निकाल दी गई। एक हमलावर ऐसा भी था जो वहां से भागते भागते वापस लौटा और सोफे के यहां पर जहां पर सुखदेव सिंह गोगा मेडी गिरे थे, पहली गोली लगने के बाद में वहां पर उसने फिर दो गोलियां मारी। उनके जो अंगरक्षक थे उनके ऊपर दूसरे व्यक्ति ने फायर किया, अंगरक्षक ने रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक पहला हमलावर जो था वो भाग करके बार की साइड जा चुका था। लेकिन जिस हमलावर ने सुखदेव सिंह गोगा मेडी के ऊपर हमला किया था और सुखदेव सिंह गोगा मेडी जैसे ही सोफे और टेबल के बीच में गिरे तो उसके बाद में वापस लौट करके उसने दो फायर और किए, यानी कि उस समय सिर को टारगेट बनाया गया, पहली गोली उनके सीने पर मारी गई। जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, पूरी रेकी की गई है पूरी प्लानिंग के साथ में, और जिस तरीके से रोहित गोदारा एंड गैंग का नाम आ रहा है, गोल्डी बरार का नाम आ रहा है, ये वाकई में उस बात की पुष्टि हो चुकी है कि लगातार उनको धमकियां दी जा रही थी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी बदमाश हैं जिनका नाम अक्सर आता रहता है, खासतौर पर लॉरेंस विश्नोई गैंग हो, रोहित गोदारा हो, गोल्डी बरार हो, जिन लोगों को उसने सोशल मीडिया पर टैग किया है, यानी सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन को चुनौती दे डाली है। राजधानी जयपुर में जिस तरीके का यह हत्याकांड हुआ है अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यानी कि श्यामनगर का वो इलाका जो पोश इलाका माना जाता है, कुछ ही दूरी पर श्यामनगर थाना, और सुखदेव सिंह गोगा मेडी जैसा व्यक्तित्व जो राजनीति के साथ साथ सामाजिक व्यक्तित्व के तौर पर जाना जाता है, अपने मुखर वक्ता के तौर पर अमूमन तमाम सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए दिखाई देता है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति पर हमला होना, और ऐसी स्थिति में हमला होना जबकि वो व्यक्ति लगातार ये बोल चुका था कि उसे विदेशी नंबरों से धमकियां दी जा रही है, इसकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, प्रशासन से कहा गया, सरकार से कहा गया कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। हालांकि उन्होंने अपने निजी तौर पर अंगरक्षक रखे थे, बॉडीगार्ड रखे थे, लेकिन शायद आज जो हुआ उसने कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। फिलहाल जो है मेट्रो मास हॉस्पिटल के जो हालात है वहां पर समर्थक धरने पर बैठे हुए हैं, आगजनी का माहौल है, समर्थकों ने पूरा जो मध्यम मार्ग है उसको जाम लगा दिया गया है। सीधे तौर पर एक ही मांग है, हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए और गोली मारने के आदेश जारी किए जाए। तमाम जो राजपूत संगठन है उनके बड़े नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। अभी जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में जो विधायक जीत करके वहां पहुंचे थे, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के, वो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। गोपाल शर्मा जो सिविल लाइन से एमएलए बने हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। वसुंधरा राजे ने ट्वीट किया है, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है और सीधे तौर पर समर्थकों से अपील की है, शांति बनाए रखने की अपील की है। जैसे ही नई सरकार शपथ लेती है, एक्शन में आती है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, यानी कि अभी तक समर्थकों को शांति व्यवस्था बहाल करने की अपील की जा रही है। हालांकि जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जार जोसेफ वहां पर पहुंच चुके, तमाम आला अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं, एक एक घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि समर्थक अभी तक वहां से उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। सीधी मांग है जब तक हमलावर गिरफ्तार नहीं होंगे, हमलावरों को गोली मारी जाए, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगा मेडी पर जिस तरीके से हमला किया गया है वो कायराना हमला है। अगर सामने से आकर के व्यक्ति को पता होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती और सरकार ने सुरक्षा देती होती तो ये हालात नहीं होते। कुल मिलाकर के राजधानी जयपुर के बीचों बीच वो वाला इलाका जो अपने आप में पोश इलाके के तौर पर जाना जाता है, श्यामनगर, उस श्यामनगर में थाने से महज थोड़ी सी दूरी पर इस प्रकार का हत्याकांड होना अपने आप में सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, जयपुर की कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े करता है। और गोल्डी बरार से लेकर रोहित गोदारा ने जिस तरीके से जिम्मेदारी ली है, जाहिर सी बात है यह घटनाक्रम सिर्फ आज का नहीं है, इसकी बाकायदा पूरे तरीके से रेकी की जा रही थी। यह माना जा रहा था कि सही समय का इंतजार किया जा रहा था और पुरानी सरकार के जाने के पहले और नई सरकार के आने के पहले का समय चूज किया गया, ये तय किया गया कि आखिर कौन से वक्त में उनके ऊपर हमला किया जाए। और जब हमला किया गया तो उसके बाद बाकायदा पुष्टि की गई कि कहीं अगर एक भी गोली लगने के बाद सुखदेव सिंह गोगा मेडी दोबारा उठ खड़े होंगे तो शायद बहुत कुछ हो सकता है। और इसीलिए हमलावर ने दो गोली मारने के बाद, एक गोली मारने के बाद दो गोली, जब वो सोफे और टेबल के बीच में गिरे तो उसके बाद में दोबारा फिर से गोली मारी, यानी कि पूरी तरह से वो लोग ये संतुष्ट हो चुके थे कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी की मौत हो गई है और उसके बाद वो लोग वहां से फरार हुए। फिलहाल तमाम पुलिस अधिकारी, पूरे शहर में नाकाबंदी का माहौल बना दिया गया है, तमाम जो चौक चौराहे हैं वहां पर नाकाबंदी की जा रही है। हालांकि पुलिस अधिकारी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल सोर्सेज से सूचना यह भी आ रही है कि शायद एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो सूचना आ रही है, जो जिस गाड़ी का नंबर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था, बाकायदा सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया था, उस गाड़ी के आधार पर नाकाबंदी की गई और एक आरोपी को, एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सीधा आपको मानसरोवर का अपडेट दे देते हैं। मेट्रो मास हॉस्पिटल में जैसे ही हमला हुआ, तीनों लोगों को मेट्रो मास हॉस्पिटल लेकर के जाया गया,
गया, जिसमें दो उनके गनमैन थे, एक सुखदेव सिंह गोगा मेडी थे। मौके पर तमाम समर्थक जैसे जैसे आग की तरह यह खबर फैली, तमाम समर्थक मेट्रोमास हॉस्पिटल मानसरोवर पहुंचने लगे और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी समर्थकों के पहुंचने के बाद वहां पहुंचे, यानी कि स्थानीय मानसरोवर थाना पुलिस जरूर वहां पर पहुंची थी, लेकिन जो आला अधिकारी डीसीपी स्तर, डीसीपी रैंक स्तर के जो अधिकारी थे, वो काफ़ी देर बाद वहां पहुंचे और जायजा लिया गया, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी पर अचानक हमला हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था, और वो भी वो गैंग करेगी जो गैंग कहीं ना कहीं कानून के राडार पर है। ऐसी स्थिति में तमाम अधिकारी वहां पहुंचते, लेकिन समर्थक तब तक उग्र हो चुके थे और अभी तक वो उग्रता लगातार जारी है। मेट्रोमास हॉस्पिटल ने हालांकि तमाम उपचार की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरीके से गोलियां मारी गई थी उससे पहले ही अंदेशा हो चुका था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी अब नहीं रहे हैं। हालांकि एक जो अंगरक्षक उनका था उसे इलाज के लिए जब गंभीर हालत में एसएमएस हॉस्पिटल के लिए भी भेजा गया था ताकि इलाज दिया जा सके, क्योंकि मेट्रोमास हॉस्पिटल में तमाम वो व्यवस्थाएं माकूल नहीं मिल पाई तो अंगरक्षक को वहां पर भेजा गया। अभी तक की जो रिपोर्ट है, समर्थक अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। मध्यम वर्ग वाला जो इलाका है, सिपरापत वाला जो इलाका है, वहां पर समर्थकों ने आगजनी की कोशिश भी की है, पूरे इलाके में जाम लगा दिया गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से, जयपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से, बीडी जार जोसेफ की ओर से शांति व्यवस्था अपील की जा रही है, शांति व्यवस्था बहाल करने की अपील की जा रही है, लेकिन अभी तक समर्थक अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इसी बीच राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और झालरापाटन से विधायक, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में सरकार बनाने की कवायद तेजी से चल रही है, उसी बीच में तमाम नेताओं के ट्वीट आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से ये व्यक्तित्व ऐसा था जिसको तमाम लोग जानते हैं, तमाम लोग पहचानते हैं, भले ही वो बॉलीवुड की किसी फिल्म का मामला हो या भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए किसी भी कोई भी मामला हो। अगर वो भारतीय संस्कृति के खिलाफ कोई मामला गया है और सुखदेव सिंह गोगामेडी नहीं बोले हो, ऐसा नहीं हो सकता है। भले पद्मावती का मामला हो, जब चाहे बॉलीवुड ने भारतीय संस्कृति के खिलाफ कोई भी ऐसी फिल्म बनाई हो जिस फिल्म में भारतीय संस्कृति को सही तरीके से नहीं दिखाया गया हो, वहां पर सुखदेव सिंह गोगामेडी हमेशा से खड़े रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के लिहाज से अपनी आवाज उठाई है। और यही कारण था, अक्सर उनके मुखर वक्ता होने के कारण ही, उनके बेबाक बोल के कारण ही तमाम लोग, जो लोग कहीं ना कहीं उनकी बातों के विरोध में खड़े होते थे, अक्सर नहीं बनती थी, कई मर्तबा मीडिया के सामने भी आए और कई मर्तबा भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ जो बॉलीवुड में किया जा रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। ऐसी स्थिति में तमाम विरोधी जो थे उनके लगातार बढ़ रहे थे और इसकी आशंका उन्हें थी, और यही कारण था कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, अपने समर्थकों से भी कहा था, पुलिस प्रशासन में भी एप्लीकेशन दी थी और ये कहा था कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशी नंबरों से लगातार कॉल आ रहे थे और उन्हें धमकियां दी जा रही थी, और जो अंदेशा था आज वाकई में वो हुआ है। बाकायदा एक रेकी के साथ में, एक पूरी प्लानिंग के साथ में सुखदेव सिंह गोगामेडी के ऊपर हमला किया गया है, और हमले के बाद में हमलावर जो है पूरी रेकी के साथ आए, भागने की कोशिश की, हालांकि सूचना ये भी आ रही है कि एक हमलावर को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन की ओर से, जयपुर कमिश्नर की ओर से इस प्रकार की कोई पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन जो समर्थक है, जो समाज है, राजपूत समाज में खासतौर पर आक्रोश का माहौल है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी बाकायदा इसके लिए ट्वीट किया है और सुखदेव सिंह गोगामेडी पर जो हमला हुआ है उसकी निंदा की है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी सरकार बनने के बाद जो भी हमलावर है, जो भी आरोपी है, और खासतौर पर राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर अपनी बातें कही हैं और कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल भी खड़े किए गए हैं। वहीं जो नए विधायक राजधानी जयपुर से जीते हैं, जिनके राजनीतिक या सामाजिक संबंध सुखदेव सिंह गोगामेडी से रहे हैं, वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे हैं, परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं, परिजनों को समझाइश कर रहे हैं कि जो भी हुआ है, जो भी आरोपी है, जो भी हमलावर है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, राजधानी जयपुर में जिस तरीके का ये हत्याकांड हुआ है अपने आप पर, वो भी श्यामनगर जैसे पौश इलाके में, जहां से मज कुछ ही दूरी पर, सुखदेव सिंह गोगामेडी की आवाज से कुछ ही दूरी पर श्यामनगर थाना है, और उस इलाके में इस प्रकार का घटनाक्रम, इस प्रकार का हत्याकांड हो जाना, घर में घुसकर के गोली मार देना, अपने आप में कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करता है।